Good morning, students. Chapter 8, part 1st. कि आज हम पॉइंट्स शुरू कर रहे हैं. सबसे पहले तो इसमें हम भाई कॉन्सेप्ट क्या लेंगे, क्या क्या कॉन्सेप्ट है वो हम क्लियर है वो करेंगे. वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. फर्स्ट क्या करेंगे हम पॉइंट डिस्कस. पीजेंट एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. इसके अंदर हम क्या करेंगे, लुकिंग फॉर सोर्स लुकिंग फॉर सोर्सेज. दूसरा हम क्या करेंगे इसमें, पीजेंट एंड देयर लैंड्स. एंड देयर लैंड्स थर्ड इसमें हम करेंगे इरिगेशन एंड टेक्नोलॉजी. और इसमें करेंगे हम एन अमेंडेंस ऑफ क्रॉप्स ऑफ क्रॉप्स. इसमें और करेंगे हम द विलेज कम्युनिटी इसमें हम क्या क्या करेंगे, कास्ट एंड द रूरल मिल्यू पंचायत एंड हेडमैन विलेज आर्टिसियन ए लिटल रिपब्लिक उसके बाद में हम इसमें डिस्कस करेंगे वुमेन इन इन एग्रेरियन सोसाइटी. फॉरेस्ट एंड ट्राइब्स भाई बियॉन्ड सेटल्ड विलेज
द जमींदार्स, लैंड रिवेन्यू सिस्टम, द फ्लो ऑफ सिल्वर, एंड द आइन ए अकबरी ऑफ अबुल फजल। अबुल फजल बात करते हम फर्स्टली मेन पॉइंट्स ऑफ द थीम। फर्स्ट अराउंड 85% द इंडियन पॉपुलेशन ड्यूरिंग 16th सेंचुरी एंड 17th सेंचुरी लिव्ड इन विलेज। बोथ पीजेंट एंड लैंडलॉर्ड्स वर एंगेज इन एग्रीकल्चरल। प्रोडक्शन दिस कॉमन ऑक्यूपेशन क्रिएटेड रिलेशनशिप सिप of cooperation competition and conflict among them। Rural society was made up of some of these
एग्रेरियन रिलेशनशिप most of the second most of the income of Mughal state was derived from agricultural production. That is why revenue assessors collector and record keeper always try to control the rural society. They wanted to ensure regular cultivation and that state should get its regular share of taxes from the produce. चलो उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा एग्रीकल्चर नोट ओनली टुक प्लेस इन फर्टाइल लैंड large tract of dry land as well as
हिली रीजन were also used for agriculture purpose. Next point, farmers did not write about themselves Our major source of agriculture history of 16th and 17th century. Are those chronicles and documents which were written under the supervision of the Mughal court Ain Akbari is one of the most important Chronicles It was written by the court historian It was written by the court historian of Akbar Abul Fazl